आज मैं बहुत ही अलग अंदाज से अमृतसरी कढ़ाई आलू की सब्जी बनाने वाली हूँ। इस सब्जी को एकदम डिफरेंट तरीके से बनाऊंगी और इसका टेस्ट और इसकी लुकिंग किसी रेस्टोरेंट की सब्जी से कम नहीं होगी। बहुत ही गजब का टेस्ट आता है इस सब्जी का। यह मेरी गारंटी है कि इस तरीके के साथ आपने कभी कोई सब्जी नहीं बनाई होगी। हर सब्जी का टेस्ट को ये फीका कर देगी। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं सब्जी बनाना। तो इसके लिए मैंने लिए 400 ग्राम छोटे छोटे आलू। अब इन आलू को छील लेंगे, ऐसे इसका छिलका उतार देंगे। अब इसको सबको छील लिया, छीलने के बाद में अब इसको अच्छे से वॉश करेंगे। इसका दो तीन पानी निकाल लेंगे अच्छे से, इसको अच्छे से धो लेंगे पेंसिल के। अब एक बार इसको अच्छे से और वॉश करेंगे। आलू मैंने धो लिए, पानी निकाल दिया इसका। आलू ना आप ऐसे छोटे छोटे लेने हैं इस सब्जी के लिए, ऐसे साबुत आलू ही डलते हैं, छोटे छोटे साइज में आलू। अगर मान लो कि भाई आसपास छोटे आलू नहीं मिलते और सब्जी बनाने का मन हो रहा है, तो क्या करो, इससे थोड़े से बड़े मिलेंगे तो उसके दो पीस कर लो, और बड़े मिलेंगे तो चार पीस कर लो। अब ये आलू को करते हैं साइड में, तो चलते गैस की तरफ। तो ये तेल गर्म हो गया, ये मैंने खड़े मसाले लिए हैं, ये आधा छोटा चम्मच जो जीरा लिया है, ये चकरी ली है, ये दालचीनी का टुकड़ा आधा इंच का, और ये बड़ी इलायची है, दो लौंग है, जावित्री है, दो छोटी इलायची है, काली मिर्च है 12-13 पीस काली मिर्च के, और ये तेज पत्ता है, और इसमें एक जो हाफ टेबल स्पून साबुत धनिया भी डाल सकते हो। इन मसालों को सबको आप तेज पत्ते को छोड़ के 12-13 पीस सकते हो, वो भी इसमें डाल सकते हो आप, लेकिन मैं साबुत मसाले ही डाल रही हूँ तो इसलिए धनिया साबुत नहीं इसमें मैं यूज़ कर रही हूँ। अगर आप 12-13 पीस के वो भी ऐसी ऑयल में ही भूनना है तो वो डाल दो। ये मैंने डाल दिए इसमें। मैं इसमें सरसों का तेल लिया, मैं ज़्यादातर सब्जियों में सरसों का तेल ही यूज़ करती हूँ। आप इसमें देसी घी भी ले सकते हो, वेजिटेबल ऑयल भी ले सकते हो। ये सरसों के तेल में भी टेस्ट इसका बहुत अच्छा आता है, बस उसको गर्म करने का ध्यान रखना है, कच्चा नहीं रहना चाहिए। ये सारे मसाले अच्छे से फूल गए हैं। अब ये जो मैंने आलू धो लिए थे, छील के धो लिए थे ना, ये इसी ऑयल में मैं डालूंगी। इसको डीप फ्राई नहीं कर रही, इसमें जितना सब्जी के लिए ऑयल चाहिए बस वो ही ऑयल लिया है। ये आलू को पहले ना 50% उबाल लेते हैं, लेकिन जैसे कि आप जानते हो मेरी रेसिपी वैसी सबसे अलग होती है और आसान भी होती है। मुश्किल वाली रेसिपी को भी मैंने आसान ही करना है, तो मैं इस आलुओं को नहीं उबाल रही, और ना इसमें वो गोदते बोलते कि फॉक के साथ जो दबा के करते हैं, गोदते हैं ऐसे बोलते हैं, मुझे ये भी नहीं पता, तो वो भी नहीं इसमें कर रही। फिर भी आपको ये लग रहा होगा तो ये इतने साबुत आलू अब बनेंगे कैसे, ऐसे ही बनेंगे। मिर्च मसाले भी इसमें, टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। मैं आंवले का मुरब्बा बनाती हूँ ना, उसको भी नहीं कभी गोदना, मेरी इतनी उम्र हो गई है, मैंने वो गोदने वाला काम कभी जिंदगी में किया ही नहीं। गैस का फ्लेम है जो मीडियम रखना है, इसकी हल्की सी जो ब्राउन परत हो जाएगी ना, तब तक इसको इसमें तेल में पकाना है, भूनना है। आप इसको डीप फ्राई नहीं कर रहे, आप चाहो तो डीप फ्राई करके भी यूज कर सकते हो। मैं उतना ही तेल लिया जितना अपने को सब्जी के लिए चाहिए, उसी में सारे काम होंगे, उसी में सारी सब्जी बनेगी, बिल्कुल अलग तरीके से ये सब्जी बन रही है और बहुत अच्छी बन रही है। गैस की फ्लेम मीडियम ही रखनी है और इसको हिलाते हुए ही पकाना है। कोई भी काम कर रहे हो आप, तो आप आसपास घूमते घूमते पलटा चलाते रहो साथ साथ, बहुत से ऐसे काम होते हैं जो साथ साथ पलटा चला सकते हैं आप। ये देखो ये कलर चेंज हो गया इसका, सब एक जैसी है, कोई जला नहीं है कहीं से भी, ना इसमें कोई ऑयल ज़्यादा है। ऐसी सब्जियों के लिए इतना ऑयल तो अपने को चाहिए। ऐसे में मैं प्याज डाल दिया, और प्याज को भी ऐसे हिलाते हुए भूनना। ये एक मीडियम से थोड़ा बड़े साइज का प्याज है, इसी में मैं दो साबुत लाल मिर्च डाल दी और एक हरी मिर्च डाल दी काट के बारीक। अब इसी में डाल दे ये टमाटर, टमाटर को कद्दूकस करो या बारीक चॉप करो, प्याज को भी कद्दूकस करो या बारीक चॉप करो, इसको मिक्सी में नहीं पीसना इस सब्जी के लिए, इनको चॉप करके फिर डालना। अब ये टमाटर डाल दिया, टमाटर डालने के बाद में इसको हिला दिया एक बार, हिलाने के बाद में अब बारी आती है मसाले की। आधा बड़ा चम्मच मैंने नमक का डाला, आधा बड़ा चम्मच लाल मिर्च डाली, आधा बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दिया मैंने, और एक चम्मच बड़ा जो भर के मैंने धनिया पाउडर डाल दिया, और थोड़ी सी डाल दी हल्दी, आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर डाल दिया, इसी के साथ डाल दिया मैंने कसूरी मेथी,
अब इनको अच्छे से हिलाएंगे। थोड़े से मसाले भूनने के बाद में एक चम्मच मैंने डाल दिया दही का। ये सब्जी बहुत अच्छी बनती है और ये मेरी गारंटी, इस तरीके से तो आपने कभी नहीं बनाई होगी। और कितनी आसान है, सब कुछ डालते जाने, कुछ भी अलग से नहीं इसको पकाना। एक बड़ा चम्मच टमाटो केचप। अब इसी के साथ अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया। अब इनको हिलाते हुए अच्छे से भूनना। थोड़ा सा भूनने के बाद में इसमें ये मोटी मोटी शिमला मिर्च काट दी और छोटा सा प्याज लेके चार पीस कर दिए इसमें, इसी में डाल दिया। ये भी इसी में भून जाएंगे। अभी सब्जी पूरी बनने बाकी है मेरे दोस्त, जाना मत, इसको देखते रहना। अब एक बड़ा चम्मच मैंने मलाई का डाल दिया। जैसे जैसे सब्जी बनती जा रही है ऑयल छोड़ती जा रही है। कितना अच्छा कलर आ रहा है देखने में, कितना अच्छा, अभी से ही आपको अंदाज हो रहा है ना भी कितनी गजब की सब्जी बनने वाली है अपनी। अब इसमें थोड़ा सा गरम गरम पानी डाल देंगे, पानी ठंडा नहीं डालना, पानी गर्म ही डालना है। अब बिल्कुल ये नई मेथड की सब्जी जो मैं बना रही हूँ, आपको पसंद आ जाए तो उसे आप कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब और साथ में जो घंटी का बटन है वो जरूर दबा देना, क्योंकि ऐसी मजेदार शानदार जो रेसिपी है आपके लिए मैं लेती आती रहूंगी, तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले मेरी वीडियो का आ जाएगा। वीडियो पसंद आ रही है ना, पहले सब्सक्राइब करो, लाइक करो, वीडियो को देखते रहना, पसंद आ जाए तो उसे शेयर भी कर देना। अब इसी में मैंने अदरक बारीक बारीक लंबा काट लिया और हरी मिर्च लंबी लंबी काट दी, ये डाल दी और इसी के साथ डाल दिया ये थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया। अब ये सब्जी होगी रेडी, गैस कर दिया मैंने बंद। अब इसको सर्व करते हैं। सर्व करने का भी एक अपना तरीका है, इतनी अच्छी डिलीशियस सी सब्जी को ऐसी नहीं सर्व करेंगे, इसको भी बहुत अच्छे से सर्व करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखना। अब मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना कि इस तरीके से ये सब्जी पहले किस किस ने बनाई और आपको ये सब्जी पसंद आई होगी जरूर, तो मेरी वीडियो को कर देना आप लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कर देना इस आसान सी मजेदार रेसिपी को, और जो घंटे का बटन है ना वो साथ में जरूर दबा देना, क्योंकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन तभी तो आपके पास मिलेगा ना। ओके, थैंक यू, मिलते हैं अगली इंटरेस्टिंग सी रेसिपी के साथ, बाय बाय। अभी आलू का पीस मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखो पूरा पक चुका है, पूरा अंदर तक मसाला जाता है इसके। अब ये देखो एक मैं पूरा मैश किया हाथ से, कितना अच्छे से मैश हो रहा है, तो इसको कुछ भी अलग से टाइम देने की जरूरत नहीं है, ये ऐसी सब्जी बहुत अच्छी बनती है।